हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। यार, ये मैं केले लेकर आई थी मार्केट से, थोड़े से कच्चे कच्चे से, कि ये पक जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पके लेकर आ जाओ तो फिर वो इधर इधर से टूट जाते हैं और थोड़े भी काले हो जाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं। और ये फिर मेरे साथ ऐसी हिट हुई कि ये फिर नहीं पक रहे हैं, ये ऐसे ही हैं। तो सब्जी मैंने बनाई थी लेकिन बच्चों को सब्जी नहीं खानी है, तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका। तो फाइनली मैं इसके बना रही हूँ चिप्स। साउथ इंडियन चिप्स होते हैं ना, जो मतलब केरल के लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो बस वही बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आइए बनाते हैं आपके साथ। इन्हें काटना बड़ा आसान रहता है, इनके बस ये जो छिलके हैं ना, इनको निकालना है। ये अगर थोड़े बहुत रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तेल गरम हो गया है, अब इस पे मैं डाल दूंगी। इसे ना बहुत अच्छे से पकाना है, मतलब ये जो बिल्कुल ऐसे करकरे टाइप हो जाए ना, उस टाइप का फ्राई करना है इसको। यार मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ इसमें। यार ये ज़रूरी भी नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ना हल्दी वाले पानी के अंदर रखते हैं, नमक और हल्दी मिलाकर रख लेते हैं ना, पर मैं डायरेक्टली फ्राई कर दे रही हूँ तो मैंने हल्दी डाल दिया है कि थोड़ा कलर आ जाए। तो इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। यार टेस्ट तो बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे वहाँ के चिप्स के आते हैं ना, लेकिन ये थोड़े मतलब उतने करकरे टाइप के नहीं हो, वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक डाल रही हूँ। मेरे ख्याल से ये नवरात्रि में आप उपवास के जो फास्ट रखते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, कच्चे केलों को ऐसे फ्राई करके चिप्स के रूप में, बढ़िया होगा। यार मैं सच बताऊं तो ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। अगर अच्छा बना तो मैं कहूँगी बिल्कुल आप ही ट्राई करें, और अच्छा नहीं बना तो फिर मैं आपको बोलूँगी यार टेस्टी नहीं लगा। लेकिन अभी मैंने ट्राई करके देखा, टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। अभी ये थोड़ा और पकेगा मेरे ख्याल से, पर ये नीचे नीचे थोड़ा जलने लगा है, मैं पका लेती हूँ पहले इसको। यार ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, अब ये तेल भी छोड़ने लगे हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और मेरे घर के सबसे बड़े शेफ जो खाने का मुझे बता देते हैं कि ये सही बना है या नहीं, उन्होंने अगर टेस्ट करके खा लिया तो फिर बढ़िया है। तो मैं इन अपने दोनों जीव पीव को टेस्ट करवाती हूँ, उन्हें देती हूँ। फाइनली ये है रेडियो का। मुन्नू कैसा लग रहा है, टेस्ट करके बताओ कैसा लगा? मैं इसका ये चीज़ देखने के लिए कसम से बहुत खुश होती हूँ। तो भाई गाइस, आप भी ट्राई करके देखिए कच्चे केलों की चिप्स। बाय गाइस।